गोपनंदन बोल सरकार, वो जो हमारी बुलबुल नहीं है यानी कि डुप्लीकेट जिसकी हम निगरानी कर रहे थे। हाँ तारा, क्या हुआ उसको? नहीं सरकार, हुआ तो कुछ भी नहीं है। वो अभी अभी मुन्ना बादशाह के घर में गई है, वो भी बुर्का पहन के गई है। क्या वो मुन्ना के घर बुर्का पहनकर गई है और तूने उसे रोका नहीं? कैसी बात करते हैं सरकार, हमको आपने उसे कहीं आने जाने से रोकने के लिए कहाँ बोला? और फिर मुन्ना बादशाह के घर में कोई जाए, हमारी क्या मजाल के हम उसे रोक लें? सरकार, मुन्ना बादशाह हमें हलाल नहीं कर देगा। ठीक है, तू उस पर निगरानी चालू रख। ठीक है सरकार। तो तारा मुन्ना के घर गई और बुर्का पहनकर गई, इसका साफ मतलब है कि वो अपनी पहचान किट्टू और मुन्ना दोनों से छिपाना चाहती है। और इसका साफ मतलब ये भी है कि तारा हमसे ये सब कुछ छुपा रही है, क्योंकि वो कोई ऐसा गेम खेलना चाहती है जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। और इसका मतलब ये भी है कि वो अब हमारे लिए भी खतरनाक हो सकती है। इसका कुछ ना कुछ करना होगा और बहुत जल्दी करना होगा। भाई इस बात की टेंशन आप लोग मत लो, तुम लोग अपना काम करो। अरे भाई इस बारे में हम सोच लेते हैं। काका आप इस बात को इतना लाइटली मत लीजिए, वो तारा हमें कभी भी धोखाधड़ी के इल्जाम में फंसवा सकती है। अरे बिटिया मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे भाई वो धोखा उन लोगों को दे रही है जिसमें उसका कुछ फायदा हो। बिटिया तुमने तो उसे पहचानने से भी इनकार करना है, तुम तो उसे जानती नहीं हो। ऐ सिंपल। ओ यस काका, पता नहीं क्यों हम टेंस हो जाते हैं, पर काका एक बात बहुत जरूरी है, हमें तारा को उस घर से हटाना होगा। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, उसे वहां से जल्द हटाना होगा ताकि वो किट्टू को भी कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ये सोचने की बात है, पर चिंता ना करो, इसका भी कोई ना कोई बेस्ट तरीका निकालते हैं। आप दोनों उसकी फिक्र मत करो, जब हमने किट्टू को प्रणव का ना होने दिया जो उसकी पत्नी थी, तो फिर ये तारा क्या चीज है? किट्टू रुको, कहाँ गई थी तुम? तुम्हें पता है ना माची ने बाहर जाने के लिए मना किया था। जानती हूँ। तो तुमने तो जैसे सोच रखा है जिस काम के लिए मना किया जाए वही करना है। ऐसी बात नहीं है भाभी। तो फिर कैसी बात है? तुम्हें पता है कि माची की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें उसकी कोई फिक्र ही नहीं। सब लोगों की देखभाल करते करते मेरा दिमाग अब खराब हो गया है और तुम हो कि अपनी मौज मस्ती में ही लगी रहती हो। ऐसा नहीं है भाभी, इस किट्टू ने भी अपना दिमाग खराब कर रखा है। ये क्या बोल के गई? किट्टू ने उसका दिमाग खराब करके रखा है? पता नहीं, इस घर में उस डॉन ने सबका दिमाग खराब करके रख दिया है। कौन क्या कह रहा है और क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। बेटिया मेरे दिमाग में एक बात आई है, तुम तारा को फोन करो और उससे किट्टू के बारे में बात करो, देखो वो क्या कहती है। वो कुछ नहीं बताएगी। मैं जानता हूं वो कुछ नहीं बताएगी, क्या कहेगी और उसके दिल में क्या है इस बात का मैं पता चल जाएगा। ओके। हेलो। हाय तारा, कैसी हो? ठीक हूँ भाई। क्या बात है, तू बहुत घबराई भी लग रही है? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। खुश है? क्या बात कर रही है भाई, ये किट्टू अपन को कहाँ खुश रहने देती है, इसने अपन को बहुत परेशान कर रखा है। अच्छा उसका पता चल गया? हाँ। अच्छा
कहाँ है वो? तूने हमें बताया क्यों नहीं? अब क्या नहीं बताया? यही कि तुझे किट्टू के बारे में पता चल गया है। नहीं नहीं भाई, अब उनको कैसे पता चलेगा? अपन थोड़ी उसको तलाश कर रही है, अपन तो यहाँ कैद खाने में बंद है। ये बुढ़िया किसी को भी आने जाने नहीं देती बाहर। तुम्हें कुछ खबर मिली? हाँ, एक बहुत बड़े जासूस को लगाया। लगता है बहुत जल्दी हमें खबर मिल जाएगी। बस उसके बाद फिर हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने देंगे। नहीं नहीं भाई, कष्ट काहे का? अपन को कोई जल्दी नहीं है। तू आराम से अपना काम कर, अपन हर हाल में तेरे साथ है। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, हम तुझसे बहुत जल्दी मिलते हैं। ओके बाय बाय। भाई तुझे भी साइड करना होगा, अब तेरा यहाँ ने जो आप लोगों से कहा था वैसे ही है। वो हमसे चाल चल रही है, पर वो शायद ये नहीं जानती है कि वो हमारी उंगली पकड़कर चल रही है। अगर उसने खुद छोड़ी तो भी मरी, और अगर हमने छोड़ दी तो वो ऐसे मरेगी उसकी पहचान भी नहीं हो सकेगी। समझ में नहीं आ रहा कि इस बैजू के बारे में मां से कैसे पूछा जाए। हाँ भैया, पता नहीं ये कौन है, कहां से आया, और हमें इसे कौन सा पैसा देना भैया? वो भी पूरे 50 करोड़। भैया आप मां से बात करिए ना। नहीं नहीं, अभी भाभी से कुछ मत कहना, उनकी तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अगर कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हम जानते हैं पापा जी, इसीलिए तो हम चुप हैं। हम माँ को कोई दुख कोई सदमा नहीं देना चाहते। हाँ भैया, माँ का 2 दिनों में क्या हाल हो गया है, ऐसा लगता है कि सदियों से बीमार है। पापा जी, आप तो माँ और बाबा के साथ शुरू से हैं, क्या आप इस बैचू को जानते हैं? क्या बात कर रहे हो, मैं किसी बैजू वैजू को नहीं जानता। अरे भाई अगर जानता होता तो तुम लोगों को पहले नहीं बता देता है? फूफा जी, ऐसा लगता है कि आप भी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। लो क्या छुपाऊंगा बोलो, क्या छुपाऊंगा मैं? कि मैं बैजू को जानता हूं, डॉन को जानता हूं? अच्छा हाँ जानता हूं, बोलो क्या कर लोगे? कमाल है बुआ जी, आप इतना नाराज क्यों हो रहे? मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि आप बुआ जी माँ और बाबा हमेशा करीब ही रहे हैं। हेलो सागर है। कैसे हैं सागर साहब, हमारा पैसा कब दे रहे हो? कौन? ये बैजू कौन? तुम्हारा हमारे परिवार के साथ क्या संबंध है? क्यों, तुम्हारी माँ ने नहीं बताया? हम तुमसे जानना चाहते हैं। पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे हमारे बाप लगते हो। सागर, जो कुछ पूछना और जानना है अपनी माँ से पूछो, वो सब जानती है। खबरदार हमसे कभी भी ऊंची आवाज में बात की। बस ये बताओ पैसा कब लेने आए? देखिए अभी अभी पूरा पैसा नहीं हुआ है। तुम क्या समझते हो सागर प्रताप सिंह, हम तुमसे भीख मांग रहे हैं, अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, समझे? जिस पर तुम लोग ऐश कर रहे हो, अगर नहीं देना चाहते हो तो साफ बोलो, हमें दूसरी तरह से पैसा लेना आता है। नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस आप हमें एक दिन की मोहलत और दे दीजिए, हम आपको पूरा पैसा दे देंगे।
ठीक है, ये आखिरी मोहलत होगी। इसके बाद अगर पैसा ना मिला तो जो भी होगा उसके जिम्मेवार तुम और तुम्हारी माँ हो, जान लो। और ये संदेश अपनी माँ को भी दे देना। नहीं नहीं, तुम किसी के साथ कुछ नहीं करोगे। सागर, क्या कह रहे थे वो? भैया आप फिक्र ना करें, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जितना भी पैसा है मैं वो लेकर चला जाता हूँ। वो मुझे कुछ नहीं करेगा भैया, वो मुझे नहीं मारेगा। बाकी का पैसा आप आराम से अरेंज कर लेना, वो मुझे कुछ नहीं करेगा भैया। भैया नहीं मेरे बच्चे, मुझे कुछ नहीं होगा भैया। अपनी जान बचाने के लिए हम तुझे दांव पर लगा देंगे, ऐसा तूने सोच भी कैसे लिया? भैया सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।